हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्वाति चावला आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सो आई होप आप लोगों के जो टॉम वन बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन है well. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर है इन गोइंग टू डिस्कस द प्रेक्टिस क्वेश्चन साइंस टर्म वन आपको जो टर्म वन बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं

और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो देट आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे सो टू चेकआउट दी डी एफ ऑफ द प्रेक्टिस क्वेश्चन इश्यूड बाय द सी बी एस ई You just have to open the CBSC academic website that is cbscacademic.nic.in. Then you have to click on this question bank tab, right? Then from here you have to select additional practice questions and then you have to select the subject. We will select computer science and then this PDF will get opened. Total 55 questions are there in this PDF and we will discuss all these questions one by one.

वेल्यू ऑफ आई इज फाइव द एक्सप्रेशन आई नॉट इक्वल टू सिक्स विल रिटर्न राइट अब यहाँ पर अगर मैं बात करू आई इज फाइव तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई फाइव अब यहाँ पर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे ऑप्शन इट है वैल्यू फॉल्स नो है वैल्यू ट्रू यस sets the value of i to 6 i key value 6 ne set karega no sets the value of i to -5 no so the correct answer for this question is option b that is has the value true because 5 is not equals to 6 now let's move on to our next question the main difference between modes w and a when opening a file in python is dash that, uh, that w here represents राइट मोड एंड ए रिप्रेजेंट अपड राइट आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर होगा इफ आई ओपन द फाइल इन राइट मोड जो प्रीवियस कंटेंट है एंड से एड होगा राइट डब्ल्यू इज यूज फॉर राइटिंग अ फाइल एंड एज फॉर रीडिंग अ फाइल नो डब्ल्यू ओवर राइट एन एक्सिस्टिंग फाइल वाइल ए राइट टू द एंड ऑफ द फाइल ठीक है

अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दू यहाँ पर तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा इंडेक्सिंग राइट सो so, अगर मैं इंडेक्सिंग स्टार्ट करूं यहाँ से मुझे सिर्फ क्या चाहिए बेटा ईयर मंथ और डेट दैट मीन्स यहां तक मुझे अपना डेटा चाहिए जीरो वन टू थ्री फोर स्पेस को भी हम इसको हाइफन को भी हम देंगे ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ तक मेरे पास जो थर्टीएथ तक आ रहा है वो आ रहा है जीरो टू नाइन ठीक है अब हम अपने ऑप्शन देखेंगे गिवन है है बेटा स्लाइसिंग ऑपरेशन स्टॉप वैल्यू कम तक चलेगा अगर मैं नाइन ही लिखूंगी तो वो एट तक चलेगा यहाँ पर मेरा लास्ट इंडेक्स किस पर आ रहा है नाइन पर तो दैट मीन मुझे जीरो से स्टार्ट कर कहां तक चलना चाहिए टेन तक वो ऑप्शन मुझे गिवन है बेटा ऑप्शन बी So, आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी एक्स जीरो प्रैक्टिकली ऑल्सो अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग गिवन है राइट इक्वल्स टू किया बेटा एक्स इलेवन कॉलम सिक्सटीन पर चेक करते हैं उसको वैल्यू क्या मिली ट्वेल्व कॉलम फोर्टी नाइन बिल्कुल करेक्ट है हमें वैल्यू क्या चाहिए बेटा डेट चाहिए इन ईयर मंथ एंड डेट फॉर्मेट

बस डज नॉट सपोर्ट ऑर्डरिंग नहीं होती है दिस में indexing होती है है In अब बात आती बेटा और की में भी हमारे पास डुप्लीकेट कीज नहीं होती है। और ऑर्डरिंग भी हम लोग नहीं करते सेट से आप लोग नहीं हो बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे जो लग रहा है दैट इज ऑप्शन डी सेट सेट में सिर्फ क्या डिफरेंस है बेटा आप सपोज ये मैंने सेट डिक्लेयर किया इट्स वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव राइट इसमें आपका डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में नहीं होता लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ब्रैकेट्स आपकी करली ब्रैकेट्स ही आती हैं जो आपकी डिक्शनरी में होती है सपोज मैंने लिखा इलेवन ट्वेंटी एंड देन थर्टी सो इफ आई विल राइट टाइप ऑफ एस इट्स सेट ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिख दू एस ऑफ टू इंडेक्सिंग नहीं होती तो दैट मींस दिस इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को रिपीट कर रही हूँ सपोज मैंने लिखा 44 एंड देन 22 एंड देन 11 अब यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं 11 और 21 तो व्हेन आई विल प्रिंट दिस वेरिएबल एस यू कैन सी 33 44 22 एंड देन 11 अब देखो ऑर्डर अनऑर्डर्ड कलेक्शन इंडेक्सिंग कहीं नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पहले इलेवन आए फिर ट्वेंटी टू फिर थर्टी थ्री फोर्टी फोर नो ये आपका किसी भी ऑर्डर में आ सकता है तो दिस इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं कीज आपके रिपीट नहीं हो सकती बट वैल्यूज रिपीट हो सकती है ठीक है so सो अगर मैं यहाँ पर लिख दू सी दिस अब यहाँ पर मेरे पास जो की वैल्यू पेयर है दैट इज वन कॉलन वन और अगर मैं सिर्फ की की बात करूं दैट इज वन और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया वन इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं suppose, one, है? अब one, तो नहीं 11, और वही अगर मैं बात करूं वैल्यू की इलेवन ये आपकी रिपीट हो सकती है बेटा ठीक है सो so, अगर हम डी को प्रिंट कराएंगे तो यू कैन सी जो आपकी वन की है उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है ठीक है सो बोथ जो है आपके डिक्शनरी भी और सेट भी दोनों ही अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है अब यहाँ पर मुझे ना कहीं पर की वैल्यू पेयर नहीं गिवन तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज सेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिज पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स वुड बी मोस्ट सुटेड टू स्टोर द लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड देर कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल्स मीन्स मैं क्या लिख दू स्टेट आ जाए मेरे पास और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल आ जाए तो मुझे क्या चाहिए बेटा इनको स्टोर कराने के लिए डिक्शनरी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन द स्टेटमेंट पी माइनस इक्वल्स टू फाइव हैज द सेम इफेक्ट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट पी माइनस इक्वल टू फाइव मीन्स पी इक्वल्स टू पी माइनस फाइव ठीक है इनकेस अगर ऑप्शन में सिर्फ ये गिवन होता पी माइनस फाइव तो वो भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होता रीजन बींग इसमें हमने सिर्फ माइनस फाइव किया वापस से पी में वैल्यू को असाइन नहीं किया बट हियर वी आर असाइनिंग द वैल्यू मीन पी माइनस फाइव इसको हम असाइन कर रहे हैं वापस से पी में दिस माइनस इक्वल्स टू इज ऑल्सो नोन एज योर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर सॉरी शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर और एक नेम और भी है इसका बेटा क्या ऑगमेंटेड ऑपरेटर राइट right? दोनों इसके नेम्स आपके भी नेम्स होते हैं एक से ज्यादा किसी और नेम से बुलाते हैं पेरेंट्स किसी और नेम से हम किसी और नेम से ठीक है हम तो सिर्फ एक बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है ऐसे इस ऑपरेटर का भी हमारा क्या क्या नेम हो सकता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर और यू कैन से योर ऑगमेंटेड ऑपरेटर ये किसके इक्विवेलेंट होगा p माइनस इक्वल टू फाइव है तो p इक्वल टू पी माइनस फाइव सिमिलरली मल्टीप्लाई टू बी तो दिस मीन्स एक्वल्स टू ए इंटू बी इस तरीके से आपका क्या होगा एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड करने का मेथड क्या रहेगा बेटा लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है a तो यहाँ पर ये रहेगा, मल्टीप्लाई ये यहां ठीक है जो आपका ऑपरेंट यहां पर गिवन है ना वो इक्वल राइट साइड दोनों तरफ आएगा उसके बाद हमने उसको अप्लाई किस पर करना है बेटा बी पर राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इसके लिए भी हमें पाइथन को ओपन करना पड़ेगा ठीक है तभी कंसेप्ट समझ में आएगा बेटा उटपुट लाइन्स द फोलिंग प्रोग्राम विल प्रिंट द सेम रिजल्ट आपको एक टपल गिवन है अब क्वेश्चन क्या पूछे की कौनसे से मुझे स्टेटमेंट गिवन है सेम से मिलेगा सिर्फ फाइव से इस तरीके से तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज माई टपल इसको थोड़ा सा हमें यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए ठीक है चल ये हमारा टपल हो गया अब मुझे क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है टपल वन फाइव कॉलन माइनस वन ठीक है अब यहां पर अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो सी दिस दिस इज एट इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड देन एट नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर दे बेटा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू गिवन है बेटा दैट इज फाइव तो दैट मीन स्टार्ट से कहाल्यू माइनस वन स्टॉप वैल्यू विल नॉट गेट इंक्लूडेड तो वो एक कम तक चलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास सिक्सटी सेवेंटी एंड देन एटी टपल है तो आंसर किसके फॉर्म में आएगा बेटा टपल के फॉर्म में जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है स्लाइसिंग ऑपरेशन नहीं गिवन तो दैट मीन्स सिंपल इंडेक्सिंग गिवन है मीन फिफ्थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा दैट विल गेट डिस्प्लेड

और एंड तक जाएगा तो दैट मीन 60, 70, 80 एंड देन 90. वहीं अगर हम आ जाए इस लास्ट 12 स्टेटमेंट पर दैट इज प्रिंट एंड देन टपल वन माइनस फोर कॉलन एट इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं उसके लिए मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी राइट दिस इज एट इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड देन एट और नेगेटिव इंडेक्सिंग माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट एंड माइनस नाइन ठीक है अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या आगे बना मुझे माइनस फोर तो दैट मींस आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टॉप स्टॉप वैल्यू है दिस वन एक कम तक चलेगा तो कहाँ तक चलेगा सेवन इंडेक्स तक या फिर आप कह सकते हो माइनस टू क्योंकि है तो दोनों का सेम इंडेक्स है तो 60 से लेकर 80 तक ये चलेगा 60, 70 और 80। तो इसका आंसर भी आ गया अब किस किस का सेम आया बेटा स्टेटमेंट ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर मेरा क्या है बिल्कुल सेम सो so, अब हम जरा अपने ऑप्शंस देखेंगे एक बार यस सो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है दैट इज वन एंड फोर ऑप्शन बी

डॉट लोक मेरी एक टाइप से बेटा आप कह सकते हो टेक्स्ट फाइल हो सकती है अगर एग्जाम में आ जाए और आपको ना पता हो कि आपकी टेक्स्ट फाइल है किस फाइल टाइप का डेटा है जो सीधा कंटेंट डेटा रीडेबल है रीडेबल है तो दैट मीन बाइनरी फाइल नहीं होगी ठीक है दिस इज वन ऑफ द सैंपल लाइन इन द लोक फाइल लोक फाइल में काफी सारी लाइन्स है ये आपको एक सैंपल लाइन गिवन है रीडेबल है टेक्स्ट फाइल होगी या फिर आपकी जो सी फाइल होती है वो भी आपका किसका पार्ट होती है टेक्स फाइल का प्रोग्रामर टू ओपन द फाइल अब मुझे फाइल को ओपन करना है देखो बाइनरी फाइल नहीं है तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा ठीक है ऑप्शन डी भी नहीं होगा अब बात आती है बेटा ऑप्शन बी और सी की तो ध्यान से इसको चेक करो डिफरेंस मुझे सिर्फ मोड में मिल रहा है डब्ल्यू और ए प्लस अब मुझे फाइल को ओपन करना है डेटा ऑलरेडी है तो अब विल नॉट प्रेफर टू तो ओपन द फाइल इन राइट मोड बिकॉज़ डेटा ऑलरेडी है जैसे मैंने राइट मोड में ओपन किया पिछला सारा का सारा डेटा ओवर हो जाएगा इरेज हो जाएगा सी so हम इसको किस में मोड कर देंगे प्लस ए प्लस आपका क्या करेगा अपेंड भी करेगा प्लस डेटा को रीड भी करेगा ठीक है इज़ which of these functions can be used to set a file's current position means मुझे फाइल के करंट पोजीशन सेट करनी है seek function set tell open open फंक्शन नहीं यूज होगा सेट भी नहीं यूज होगा ठीक है tell फंक्शन मुझे फाइल की करंट पोजीशन जो पॉइंटर है वो बताएगा सेट नहीं करेगा सेट करने का काम कौन करेगा मेरा seek फंक्शन ठीक है एक बार seek फंक्शन को बहुत ब्रीफली देख लेते हैं इट विल टेक टू आर्गुमेंट्स फर्स्ट वन हाउ मेनी बाइट्स टू बी मूव और सेकेंड वन कहा से मूव करना है जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इसमें बेसिकली वैल्यूज होती है जीरो वन और टू जीरो फ्रॉम बिगनिंग वन फ्रॉम करंट लोकेशन करंट लोकेशन से मूव करने के लिए और सेकेंड फ्रॉम एंड अगर मैं यहां पर लिख दू माइनस टेन कॉमा टू तो दैट मीन्स एंड से टेन बाइस बैकवर्ड माइनस मीन्स बैकवर्ड पीछे की तरफ और प्लस वैल्यू मीन्स फॉरवर्ड ठीक है So, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज़ व्हेन सेटिंग द करंट पोजीशन ऑफ अ नॉट बी कहां से, हम से भी हम सेट कर सकते हैं अगर मैं वन लिख दूं एंड से सेट कर सकते मैं टू लिख दूं मिडल ऑफ द फाइल सेट नहीं कर सकती सो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी ठीक है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय द लाइन डेफ कैलकुलेट पी कोमा क्यूल टू हंड्रेड आर इक्व टू हंड्रेड दोनों आपके डिफॉल्ट वैल्यूज दे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पी इज एन ऑप्शनल पैरामीटर नो क्यू एंड आर आर ऑप्शनल पैरामीटर्स यस दोनों की डिफॉल्ट वैल्यूज है तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये मेरे लिए ऑप्शनल रहेंगे देने इफ आई विल प्रोवाइड द वैल्यू So obviously, then that value will be considered. Otherwise, these default values will be considered. So yes, q and r are optional parameters. Q will always have value hundred in the function. No. If I provide value, then that value will get considered. The above line will cause a syntax error. No, syntax error will not come. Okay. Next is which of these points about the return statement is false.

सपोज मैंने यहां पर अपना फंक्शन डिफाइन किया लेट्स डेफ और इसको मैंने यहां पर नेम दे दिया लेट सपोज डिस्प्ले ठीक है मैंने यहां पर लिखा प्रिंट गुड मॉर्निंग यहां पर मैंने लिख दिया रिटर्न और यहां पर दोबारा से मैंने लिख दिया प्रिंट गुड नाइट ठीक है अब जब हम फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करेंगे वट विल हैपन मेरा कंट्रोल डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पास हो जाएगा बेटा राइट आफ्टर दैट दिस गुड मॉर्निंग ये प्रिंट हो जाएगा आपका दिस मैसेज प्रिंटेड रिटर्न स्टेटमेंट आते फंक्शन से बाहर तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वेन एनकाउंटेड स्टेटमेंट इट टर्मिनेट अ फंक्शन दिस इज करेक्ट वो फंक्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है लास्ट स्टेटमेंट जो मुझे गिवन है दैट इज फंक्शन कैन नॉट है एक फंक्शन में मेरी एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है ठीक है एक मेथड तो बेटा अगर मैं यू लिख दू डिपोज लार्ज नेम से फंक्शन है दो आर्ग्यूमेंट है इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो रिटर्न एस रिटर्न बी ठीक है नो डाउट एक टाइम पर वेल्यू एक ही रिटर्न होगी बट

और मोड ऑफ एक्स भी क्या होगा बेटा एक्स सेम आपका ये काम कौन करेगा एब्सोल्यूट फंक्शन सो एबीएस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर टू इट फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस थ्री पॉइंट वन के लिए थ्री पॉइंट वन मीन्स जो आपके नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव तो अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है इसको सॉल्व कर दिया जाए स्टेप बाय स्टेप एब्सोल्यूट एब्सोल माइनस एबीएस देन माइनस ठीक है तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे थ्री माइनस एब्सोल्यूट ऑफ माइनस टेन विल बी टेन राइट थ्री माइनस टेन विल बी माइनस सेवन और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी बेटा दैट इज सेवन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है इसको हम एक बार एग्जीक्यूट भी कर लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि क्वेश्चन ठीक है मींस आंसर ठीक है कि नहीं है राइट right? इसको हम माइनस को एक बार चेंज कर देते

बट फिर भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए ठीक है एन एच टी एम एल फाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फाइल नो एवरी कैरेक्टर इन अकर इन binary फाइल बट द रिवर्स इज नॉट true. दिस इज also false. ठीक so, है सो जब करेक्ट स्टेटमेंट है का मेरे पास एक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जबकि file में मेरे पास कोई भी delimiter नहीं होता ठीक है now read the below and answer the question number 17 and 18 the exponentiation operator in python double star given has higher precedence than division and multiplication meaning that double star means exponentiation operator will be evaluated before multiply and divide in an expression operators divide and multiply have same precedence other precedence same we have to follow the rule of associativity फॉर्द डबल स्टार इटर्सिंग मल्टीप्लाई साथ में आ जाता है प्रेसिडेंस सेम है तो कैसे कौन सा रूल फॉलो करोगे करोगे एसोसिएटिविटी और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट एक्सपेन्सिएशन ऑपरेटर जो भी आपके एक्सपोलिएशन ऑपरेटर है वो सॉल्व होंगे आपके राइट टू लेफ्ट यही आपको इसमें गेवन है डबल स्टार मीन्स एक्सपेलेंसिएशन ऑपरेटर इवेल्यूएट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस तरीके से मीनिंग दैट इफ एन एक्सप्रेशन इज मल्टीपल ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑफ डबल स्टार द ऑपरेटर ऑन द राइट विल बी वेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेंट ऑन द लेफ्ट द ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट ऑन द अदर हैंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इवेल्युएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब हम आ जाते हैं इसकी बेस पर मुझे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। विच ऑपरेटर विल बी वैल्यूएटेड फर्स्ट इन दिस एक्सप्रेशन स्टार नो सबसे पहले तो प्रेसिडेंस चेक करेंगे

नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे तभी इसकी वैल्यू आएगी फोर डिविजन ऑपरेटेड टू डबल स्टार ठीक है अब आपने क्या फॉलो करना है बेटा प्रेसिडेंस सबसे पहले प्रेसिडेंस डबल स्टार तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फोर डबल स्टार टू रेज टू द्री इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे इट विल बी एट इन अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड प्रेसिडेंस सेम है तो इसका बेटा ऑप्शन बी इसको हमें एक बार एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए कि कहो मैम आपने तो आंसर गलत बता दिया ठीक है गलत नहीं बताएंगे बेटा इसको करेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका बेटा वन पॉइंट 0. Right? Now next is question number 19. Which of these statements about for and while loop in Python is true? A for loop usually runs a given number of times, a while loop runs while a condition is met. This is true.

लाइन विद मैचिंग इंडेटेशन ये मैचिंग इंडेटेशन के लाइन आ गई तो दैट मीनस यहाँ पर मेरा फोर ब्लॉक क्या हो रहा है एंड हो रहा है तो इसके बाद फोर ब्लॉक स्टार्ट होगा एंड नहीं होगा ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन सोनर रॉट द फुल प्रोग्राम दैट इज प्रिंट स्टूडेंट डॉट पी वाई टू प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास

लॉग फाइल रिकॉर्ड द टाइम यूजर आई डी रिकॉर्ड नंबर एंड नंबर ऑफ बाइट रीड मीन्स टोटल मेरे पास कितनी चीजें होंगी बेटा टाइम यूजर आई डी रिकॉर्ड नंबर और नंबर ऑफ बाइट रीड फ्रॉम सर्टेन डेटाबेस तो एक तरीके से चार वेल्यूज उसमें स्टोर हो रही है इच ऑफ द फील्ड यूज नंबर ऑफ बाइट द लास्ट थ्री लाइन्स ऑफ द फाइल वर एज फॉलोज ठीक है लास्ट थ्री लाइन्स अब इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दू तो दिस ठीक है वट इज द इंटर फील्डर यूज बाय द फाइल अब डिलीमिटर बताना है बेटा आपको जहां से वैल्यू सेपरेट हो रही है ठीक है अब ध्यान से देखो बेटा या तो हाइफन हो सकता है delimiter, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है बट मुझे फोर वैल्यूज गिवन है लेट सपोज मैंने इसको पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं अगर मैं कोमा को डिलीमिटर दू कोमा तो मुझे गिवन नहीं है कॉलन को अगर मैं डिलीमिटर लू एक ही आ जाएगा एक ही आ जाएगा तो वैल्यूज कितनी हो जाएंगी मेरे पास एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी वन एक टू और ये थ्री बट मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज होनी चाहिए फोर तो दैट मीन्स कॉलन भी मेरा डिलिमिटर नहीं है अब हम आ जाते हैं अगर हाइफ़न पर आ जाए ये एक पार्ट हो जाएगा ये दो ये कंप्लीट मेरा थर्ड पार्ट ठीक है बट वैल्यूज कितनी है फोर अब हम आ जाते हैं जरा डबल कॉलन पे ठीक है एक ये गिवन है तो दैट मीन्स ये एक मेरी वैल्यू हो जाएगी ये डबल कॉलम तक सेकेंड सॉरी ये सिंगल कॉलन है ना तो यहां तक मेरी फर्स्ट वैल्यू आएगी बेटा यहां तक डबल कॉलन ठीक है दोबारा से कर दिया जाए यहां तक फर्स्ट वैल्यू बेटा ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ ठीक है तो देट मीन्स वैल्यूस किससे स्पेसिफाई हो रही है हमारे सा है डबल कॉलन फर्स्ट वाला ये आपका कंप्लीट टाइम हो गया ये यूजर आईडी हो गई रिकॉर्ड नंबर एंड देन दिस नंबर ऑफ बाइट्स ठीक है

अगर मैं माइनस फोर्टी फाइव एंड से मूव कर दू इसको इंडेक्सिंग करके चेक करना बेटा ठीक है एंड से कैरेक्टर्स फॉरवर्ड नहीं जाऊंगी तो कुछ नहीं प्रिंट होगा मेरे को ये वाली लाइन लाइन चाहिए बेटा लास्ट ठीक है फाइव डॉट सी अगर मैं स्टार्टिंग से वन थर्टी फाइव करू चलो क्वेश्चन आ गया तो इंडेक्सिंग कर ही देते हैं एक बार ठीक है साफ साफ सी एक सेकेंड रुकना बेटा ठीक है इसको हम थोड़ा सा

इंडेक्सिंग करने से अच्छा लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ये जो आपका डेटा है इसको मैंने यहाँ पर टेक्स फाइल में डाल दिया ठीक है द नेम ऑफ फाइल इज यही लाइन से इसमें जो आपकी क्वेश्चन दे है और इसको अगर मैं पाइथन ओपन करूँ इसको फिलहाल हटा देते हैं ठीक है पाइथन शेल ओपन कर लेते हैं फाइल को ओपन करेंगे फाइल इक्वल्स टू ओपन टेक्स्ट फाइल का नेम है बेटा वन टू वन डॉट टीएक् No, see, अगर मुझे रेफरेंस वैल्यू कोई और देनी हो तो आई हैव टू ओपन द फाइल इन द बाइनरी मोड ठीक है जो हमारा सीक फंक्शन है वो न्यूअर पाइथन वर्जन में सिर्फ किसके साथ वर्क करेगा फ्रॉम बिगिनिंग बट अगर मुझे टेस्ट करना है फ्रॉम एंड और फ्रॉम करंट लोकेशन तो फॉर दैट आई हैव टू ओपन है टेक्स्ट फाइल इन द बाइनरी मोड ठीक है हमने टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लिया अब मैं एक बार आपको इसका कंटेंट भी रीड करके दिखा दूं दैट इज फाइल डॉट रीड ये कंटेंट है हमारा ठीक है ये बी रिप्रेजेंट कर बेटा बाइनरी मोड कि हमने टेक्स्ट फाइल को बाइनरी मोड में ओपन किया है यही तक कंटेंट है अब अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं दैट इज फाइल डॉट सी फोर्टी फाइव कोमा एंड एंड से अगर मुझे मूव करना तो आई है अब अगर मैं मेरा पॉइंटर मूव हो चुका है तो डेटा को रीड कर दू सॉरी फाइल डॉट राइट ठीक है यू कैन सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लास्ट लाइन ही है टू जीरो टू वन जीरो एट जीरो नाइन टेन ट्वेंटी टू फिफ्टी टू यस ठीक है क्वेश्चन भी यही है कि मुझे लास्ट एंट्री कहां से मिलेगी जो मुझे फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल चुकी है अब इसमें क्या हुआ बेटा एंड से मैंने अपना पॉइंटर फोर्टी फाइव बाइट बैकवर्ड मूव कर दिया पॉइंटर बिगनिंग पे पहुंच गया तो लास्ट एंट्री आपकी रेट हो गई अगर मैं अपना मूव करूं बेटा एंड से फोर्टी फाइव कैरेक्टर्स फॉरवर्ड इस एंड के लिए मैं क्या लिख दूं बेटा टू और फिर जब मैं अब अपना डेटा रीड करूंगी एम टी स्ट्रिंग रिटर्न ठीक है क्योंकि पॉइंटर मैंने एंड पर मूव करने के बाद फोर्टी फाइव बैट बाइट में फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ तो आगे कुछ नहीं है तो इट विल रिटर्न एम टी स्ट्रिंग वहीं अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से वन थर्टी फाइव कैरेक्टर्स में फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ स्टार्टिंग के लिए मैं क्या लिख दू बेटा जीरो तो मेरे पास सिर्फ वन थर्टी फाइव आएगा दैट स्टार्टिंग से अगर मैं क्या मूव कर रही हूँ बाइट्स और फिर फाइल को रीड करूं तो मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है बेटा वन जीरो टू फोर ठीक है अब काउंट कर लेना वन थर्टी फाइव पर या तो ये वन जीरो टू फोर आएगा या इनमें से कोई आ रहा होगा ठीक है बट जो लास्ट एंट्री मुझे मिल रही है दैट इज फ्रॉम ऑप्शन ए So, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन ए था ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन चलो नाउ नेक्स्ट इज़ इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जाए चलो द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉस इंस्टेड ऑफ द ओपन फंक्शन कि देखो टू ओपन द फाइल फर्स्ट वन इज आई कैन यूज ओपन फंक्शन और सेकेंड आई कैन यूज विध क्लॉज तो अगर अगर मैं विद स्टेटमेंट के थ्रू अपनी फाइल को ओपन कर रही हूँ तो दैट मीन्स मुझे अपनी फाइल को एक्सक्लिटली क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट शुड वी अपियर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सिंबल इन अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है? गिवन है बेटा आई लव पाइथन स्ट्रिंग है माइनस वन पर मेरे पास आ रहा है एन बिल्कुल करेक्ट यही आना चाहिए माइनस थ्री कॉलन माइनस थ्री आएगा बेटा एच पर तो एच ओ वन आ गया फाइव कॉलन माइनस फोर पर अब मुझे बताना है ठीक है इसकी इंडेक्सिंग कर लीजिए फाइव कॉलन माइनस तो जीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है यहां पर आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इंडेक्स कहां से स्टार्ट करना है बेटा फाइव तो दैट मीन्स ई से स्टार्ट होगा स्टॉप वैल्यू माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस फोर इज एट टी एक कम तक चलेगा तो दैट मीन्स वाई ईज फेस पी वाई तो दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है बेटा ठीक है यहाँ पर ऑप्शन आपको ई एफ जी एच गिवन है इसकी जगह हम लिख देते हैं ए बी सी ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ई स्पेस पी वाई दैट ऑप्शन ए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आइडेंटिफाई एरर इन द प्रोग्राम बिलो पिकल मॉड्यूल इम्पोर्ट किया द डेटा दैट वॉज स्टोर इन द फाइल प्रिंट फंक्शन लगा दिया रीड मोड में ओपन कर दिया डेटा लोड कर दिया फाइल को क्लोज कर दिया प्रिंट कर दिया ठीक है मिस्टेक तो है

क्लोज उसको प्रिंट करने से पहले करो बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा द लास्ट लाइन शुड बी प्रिंट फाइल ऑब्जेक्ट नो डेटा रीड करें वही वेरिएबल हम प्रिंट कराएंगे सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आर बी मोड यूज करोगे ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ये आपको आउटपुट बताना है ठीक है अब यहाँ पर है पी इक्वल्स टू नन ओके क्यू जीरो से कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है पी डबल इक्वल्स टू क्यू

फोर्थ लाइन में बेटा दैट मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑल कोर्स शोन आर डबल कोर्स मैसेज क्वेश्चन टू फेवरेट मूवीज थ्री इडियट्स आई होप आप बोर नहीं हो रहे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ठीक है चलो मैसेज ट्वेंटी थ्री कॉलन ओके थ्री इडियट्स कॉलन अब देखो ऑल कोर्स शोन आर डबल कोर्स अगर मैं डबल कोर्स के अंदर कोई स्ट्रिंग लिख रही हूँ ना तो वापस से उसके अंदर मैं डबल कोर्स राइट नहीं कर सकती तो या तो मुझे सिंगल कोर्स लिखने पड़ते या फिर यहाँ पर डबल कोर्स ठीक है तो डेफिनेटली ये मुझे एरर देगा सिंटेक्स एरर ऑन लाइन वन ठीक है लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो ये हमारे पाइथन ठीक है सपोज मैंने यहाँ पर डबल कोर्स में कोई भी स्ट्रिंग लिखी इसको मैं डबल कोर्स में दोबारा लिख रही हूँ फिर डबल कोर्स क्लोज कर रही हूँ तो ये मुझे एरर देगा इसको अगर मुझे ऐसे कुछ लिखना है या तो मैं इसको किस में लिखू बेटा सिंगल कोर्स तो देन इट करेक्ट ठीक है तब वो डबल कोर्स प्रिंट करेगा और ये सिंगल कोर्स तो वो स्ट्रिंग वाले आ रहे हैं आप सिंपल क्या लिख दो ठीक yes. है? So, जो आंसर होगा इसका दैट इज सिंटेक्स एरर ऑन लाइन वन नाउ लेट्स प्रोग्राम आपको एक स्ट्रिंग x equals to txt dot find okay see find function मुझे क्या देगा इंडेक्स इसको थोड़ा साफ साफ लिख लिया जाए ठीक है ये ना जो कंप्यूटर पे टाइप करते हैं ना वो टाइपिंग फास्ट हो जाती है और राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है ठीक है चलो अब हम यहां पर लिख देते हैं जो हमारा फाइंड फंक्शन है ये मुझे क्या देगा बेटा इंडेक्स ठीक है अब Txt .find, इसमें अगर एक मैं ऑप्शन और ऐड कर दूं एरर का तो वो करेक्ट होना चाहिए ठीक है रीजन दैट स्ट्रिंग का नेम जो है वो है वो क्वेश्चन गिवन और जो मैं फाइंड फंक्शन लगा रही हूँ अब एरर ऑप्शन तो मुझे नहीं गिवन तो क्वेश्चन को एरर फ्री कर दिया जाए बिल्कुल कर दिया जाए ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का नेम क्या लिख सकते हैं बेटा टेक्स्ट ठीक है अब जरा फटाफट से कर दो इंडेक्सिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो एक्स पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बट बटे का इंडेक्स लिखोगे दैट इज इलेवन उसके बाद मुझे लिखना है क्वेश्चन मार्क का इंडेक्स लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वैल्यूज फिर हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे ठीक है ये मेरे पास इसको हमें टी कर देना चाहिए ठीक है उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी बेटा किसका इंडेक्स फाइंड आउट करोगे पहले uh -oh. जस्ट जस कोमा का इंडेक्स यहां पर x की वैल्यू बेटा इलेवन इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे बेटा y की और y में किसका इंडेक्स फाइंड आउट करोगे बेटा क्वेश्चन मार्क का ठीक है तो y की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई यहां से 17. बस आगे तो कुछ भी नहीं है सब्सटीट्यूट कर दिया जाए वैल्यूज को कराना बेटा इट इज एक्स प्लस टू कॉलम सेवनटीन आई थी बेटा एक्स की वैल्यू है मेरे पास 11, 2, 17. 11 2, 13, 17. तो थर्टीन से लेकर सिक्सटीन इंडेक्स तक जो वैल्यू होगी वो लिखोगे इलेवन तो यहाँ तक आ गया था बेटा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन राइट तो दैट मीन आपका ऑप्शन सी आएगा दैट इज रवि क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आगे एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं आई होप हमने इंडेक्सिंग करेक्ट की है सॉल्व भी इसको करेक्ट किया है ठीक है ठीक है तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम एम इक्वल्स टू वन इंटीजर टाइप का गिवन है एन इक्वल्स टू वन स्ट्रिंग टाइप का गिवन है एस टी आर ओफ एम ये आपको विदिन कोर्ट्स दे देगा प्लस एन ऑलरेडी मेरा स्ट्रिंग है दो स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर से कंबाइन करोगे कंकेटिनेशन ऑपरेटर आंसर क्या बेटा सी पार्ट इलेवन बहुत ईजी क्वेश्चन नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वट इज दउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम बहुत ईजी है अब कमेंट देखना बेटा सी प्रिंट फंक्शन के अंदर विद इन कोर्ट जो भी है that will be printed as it is. और ये दिस इज अ कमेंट एक्चुअली विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट तो दिस विल नॉट गेट प्रिंटेड दिस इज डेली नो ये सी पार्ट आएगा बेटा ठीक है बी पार्ट में क्या क्या आ रहा है ये भी प्रिंट हो रहा है ये नहीं प्रिंट होगा ये भी नहीं आएगा ठीक है सो करेक्ट आंसर इज दिस इज डेली डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया मीन्स प्रिंट फंक्शन में विद इन कोर्स जो भी लिखा हो दैट विल गेट प्रिंटेड एज इट इज ठीक है जो उसके बाद आफ्टर दिस प्रिंट फंक्शन है स्टेटमेंट में लिखा है दिस इज योर कमेंट Now next move on to the 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 question number 34. What is the output of the following? P Q R S equals to टू Print करना है बेटा P plus Q. P भी है, Q भी टीजर है S. है, प्लस जाएगा ten plus eight eighteen. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नाउ नेक्स्ट इज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से देखना स्टडी द फोल इन प्रोग्राम विच एज एन अनर एंड आंसर द्वेशन थर्टी चलेगा ठीक है इसको एक बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया जाए अच्छा क्वेश्चन थर्टी फाइव देखते हैं पहले वट इज द प्रोग्राम ट्राइंग टू डू इन द प्रोग्रामचुअल में हो क्या थर्टी सिक्स मुझे क्या है एर इन द प्रोग्राम पहले बेटर क्या रहेगा एरर फाइंड आउट कर ले फिर हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल प्रोग्राम में हो क्या रहा है ठीक है तो अगर मैं ये फाइल ओपन करूं तो यहां मुझे वो नहीं दिख रहा ठीक है इसको एक बार लिख देते इसको हमने ऐसे लिख दिया ये प्रोग्राम है बेटा जो आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ में है ये स्टेटमेंट गिवन आई थिंक आउटसाइड द फोर लूप ये इंडेंटेशन है ठीक है वाइल के अंदर फोर इसको जरा एग्जीक्यूट करें तो एरर तो है सी ये वन 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 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो रहा है ठीक है इसको जरा करेक्ट कर दो कैसे करेंगे आई की आई की वैल्यू बेटा स्टार्टिंग में वन वन लेस टू 10 कंडीशन ट्रू अब टेन तक मुझे लूप चलाना मुझे कहीं पर काउंटर वेरिएबल नहीं दिख रहा बेटा काउंटर वेरिएबल जहां पर मैं इस आई वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रही हूँ कहीं पर भी नहीं दिख रहा ठीक है अब देखो जरा कहाँ लगाना चाहिए पहले थर्टी सिक्स के ऑप्शन पढ़ते हैं सम इक्वल्स टू जीरो स्टेटमेंट ये आपकी वाइल्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं सम इक्वल्स टू जीरो कर दू अंदर भी चल जाएगा एरर इस वजह से नहीं आ रहा ठीक है द रेंज शुड बी फ्रॉम जीरो नॉट वन नो प्रॉब्लम आई आफ्टर द प्रिंट स्टेटमेंट करें जरा प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम लोग इसको एड ये हमारे प्रिंट स्टेटमेंट इसके बाद हमने क्या कर दिया एड कर दिया आई इक्वल वन ठीक है अब देखो जरा ये क्या प्रिंट कर रहा है दोज आर विद मैथ्स सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आता है आपको आई थिंक एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ठीक है तो यहाँ पर ये मुझे वही दिख रहा है बेटा वन टू प्लस वन थ्री मीन्स अगर मैं थ्री कह रही हूँ तो वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है लेट मी शो यू दिस ये एक्चुअल में हो क्या रहा है सम प्रिंट हो रहा है कहां से कहां तक वन से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक अगर मैं इसकी बात करूं बेटा ठीक है अब पर मुझे क्या बना बेटा वन जस्ट से वन के साथ वैल्यू क्या आ रही है वन ठीक है टू मीन्स वन प्लस टू थ्री तो अगर मैं थ्री की बात करूं वन से लेकर थ्री तक के नंबर से कर दो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स फोर में वन से फोर तक ऐड कर दो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ठीक है तो एक तरीके से सम आ रहा है बेटा वन से लेकर नंबर्स तक का अब जरा आ जाओ अपने ऑप्शन पर थर्टी सिक्स का तो मुझे पता लग चुका है करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बिल्कुल बता सकते हो। अब क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर बिटवीन वन एंड द नंबर जो करेक्ट आंसर होगा टिल टेन इट विंबर बिटवीन वन एंड दैट पर्टिकुलर नंबर राइट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दोनों का ही क्या है मेरे पास सी पार्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन what will be the output of this program we call that 5 modulus 3 मुझे 2 देगा 10 modulus 2 0 देगा means modulus operator मुझे क्या देगा Remainder, ठीक है For i इन रेंज 0, 100 so तो that means मेरा जो ये loop है कहां तक चलेगा बेटा 99 अब देखो आउटपुट तो मुझसे पूछा नहीं है क्यों ना मैं प्रोग्राम को देखकर ऑप्शंस पढ़ लूं ठीक है अगर कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू हो रहा वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है

इस कोड को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन ठीक है ये आपको कोड किया करेंगे तो लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस नेम्स तो सारे प्रिंट हो रहे हैं रवि सुनीता गोपाल सलमान लिली बट एंड में ये एरर आ रहा है बेटा इंडेक्स एरर लिस्ट आउट ऑफ सॉरी लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसको करेक्ट करना है रिप्लेसिंग आई इक्वल्स टू जीरो विद आई इक्वल्स टू वन अगर मैं इस जीरो को वन से रिप्लेस कर एरर तो फिर भी आएगा और इवन नेम्स भी सारे नहीं प्रिंट हो गएगा तो तो वन नहीं आएगा रिप्लेसिंग आई लेस इक्वल ऑफ स्टूडेंट्स टू बी करेक्ट वन ठीक है क्योंकि वो एक इंडेक्स उसके बाद भी जा रहा है में क्या बेटा मेरे पास लेंथ और वो कम तक चलेगा क्यों क्योंकि हमने इंडेक्सिंग वैल्यू uh, है आई की किससे स्टार्ट कर दी जीरो स्टूडेंट लिस्ट आई विद आई माइनस वन अगर मैं यहां पर i की जगह i माइनस वन कर दू तो क्या मेरा आंसर करेक्ट आएगा सी यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया लीलिंग क्यों क्योंकि यहाँ पर जब i की वैल्यू जीरो है तो जब मैं जीरो माइनस वन करूंगी तो माइनस वन इंडेक्स पर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास ले ली जो मेरा लास्ट नेम है ठीक है सीक्वेंस में नहीं प्रिंट हुए वो. अब हम आ जाते हैं जरा नेक्स्ट ऑप्शन पर दैट इज ऑप्शन डी रिप्लेसिंग विद ये तो दोनों एक ही बात है ठीक है सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन बी हम इसको रिप्लेस कर देंगे आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद आई इज लेस देन नंबर ऑफ

कौन से मोड में ओपन करेंगे बेटा राइट कराना है बाइनरी फाइल है wb rb वाला कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया ठीक है pickle डॉट डम फंक्शन यूज होगा राइट कराते टाइम और ये दोनों क्या आएंगे बेटा arguments तो so, wb के साथ क्या आएगा डम? दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ठीक है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p एंड r एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम both बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है सारे क्वेश्चन से देखना चलो पी की वैल्यू बेटा मेरे पास वैल्यू ऑफ आर इज फिफ्टी राइट पी इक्वल्स टू पी प्लस आर तो दैट मीन्स पी की वैल्यू 40 प्लस आर की वैल्यू फिफ्टी यहां से मेरे पास पी की वैल्यू आ गई बेटा 90 R इक्वल्स टू P माइनस आर तो P की वैल्यू है बेटा अपडेटेड वैल्यू लोगे दैट इज 90 लोग तो आर की वैल्यू मेरे पास हो गई बेटा 40 दोबारा से मैं क्या कर रही हूँ वैल्यू बेटा नाइनटी माइनस आर एस फोर्टी नाइन्टी माइनस फोर्टी फिफ्टी तो P की वैल्यू तो बेटा मेरे पास आई है फिफ्टी ये नहीं होगी गया फिफ्टी एंड देन फोर्टी पी इज फिफ्टी आर इज फोर्टी तो दैट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट राइट नेक्स्ट रीड द फोलोइंग एंड आंसर दी वन एंड फोर्टी टू फाइल रोड नॉट टेकन डॉट टी एक्स लाइन टेकन आपके इंग्लिश में पोएम भी है नॉड नॉट टेकन डॉट टी एक्टी आपको गिवन है टू रोड डेवर्स इन अ वर्ड एंड आई आई टूक दस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हेज मेड ऑल द डिफरेंस द फोलोइंग कोड ओपन दिस फाइल

वट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम आउटपुट तो क्या कुछ भी नहीं रीड लाइन्स लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगी सारी वैल्यूज़ ठीक है और कितनी लाइन्स है टोटल थ्री तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा थ्री डन नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट इन दूर थ्री क्वेश्चन बेसिकली आपको टू कोमा टू इंडेक्स पर वैल्यू बताने है, ठीक है अब अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए ठीक है इसको हमने कॉपी एंड देन पाइथन शेल और इसको हमने कर दिया पेस्ट, राइट right? अब सी इसको ऊपर कर दिया जाए स्कोर नेम से हमारे पास कैपिटल नेस्टेड टपल है इसमें अगर मैं जीरो इंडेक्स पर काउंट करूं तो मेरे पास ये एलिमेंट जीरो इंडेक्स पर है ठीक है टेपल की बात हो रही है बेटा फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे पास ये एलिमेंट है राइट तो स्कोर ऑफ टू पर मेरे पास है फोर थ्री वन थ्री टू मीन्स दिस इज एट इंडेक्स जीरो एलिमेंट हो गया मेरे टेपल का दिस ये हो गया मेरा इंडेक्स वन पर और ये हो गया बेटा मेरा इंडेक्स टू पर राइट दिस डन अब क्वेश्चन में आई थिंक आपसे पूछे टू एंड देन टू इस तरीके से गिवन है स्कोर टू एंड देन टू तो सेकंड इंडेक्स पर सेकंड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स में ये जीरो पर हो गया ये वन पर हो गया तो सेकंड इंडेक्स पर मेरे पास आएगा टपल की फॉर्म में वन थ्री एंड देन टू देखें जरा ऑप्शन वन थ्री एंड देन टू यही पूछा है बेटा प्रिंट स्कोर टू एंड देन टू राइट ठीक है तो यहां पर मेरे पास आ गया बेटा वन थ्री एंड देन टू सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइट चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर बहुत ध्यान से देखना है इसको वट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम स्नेपेट बिलो प्रोग्राम कोड गिवन है आपको आउटपुट बताना है ठीक है नाउ सी दिस

Not in country course, तो हम रिटर्न करा रहे हैं ये चीज अदरवाइज ये चीज ठीक है यहाँ पर आ जाओ बेटा प्रिंट फंक्शन फोन विद कंट्री कोड फंक्शन कॉल किया एक वैल्यू पास की ये हमारे फोन नंबर में आ जाएगा ठीक है कंट्री में डिफॉल्ट ले वैल्यू ले लेंगे इंडिया कंट्री कोर्स यागे इफ कंट्री कंट्री में मेरे पास क्या आया बेटा इंडिया इंडिया नॉट इन कंट्री कोर्स बट ये तो है तो कंडीशन फॉल्स तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंट्री कोड्स कंट्री कंट्री क्या है इंडिया यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास प्लस नाइन वन वो एक स्टार्ट हो रहा है ठीक है उसके बाद स्पेस और फोन नंबर फोन नंबर हमने ये पास किया नाइन एट सेवन सिक्स फाइव ट्रिपल फोर टाइम्स जीरो एंड देन वन फिर ये पाइप सिंबल इट इज आ जाएगा अब हमने फोन विद कंट्री कोड दोबारा से कॉल किया बेटा फंक्शन अब हमने टू जीरो थ्री सिक्स जीरो सेवन ये पास किया कंट्री पास किया यूनाइटेड स्टेट तो फोन नंबर में बेटा ये वैल्यू आ गई यूनाइटेड स्टेट्स में सॉरी कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स इफ कंट्री नॉट इन कंट्री कोड यूनाइटेड स्टेट भी है की से चेक होगा बेटा ध्यान रखना तो सेम कंट्री कोड यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा ऑप्शन बी राइट नाउ नेक्स्ट द चॉइस मेथड ऑफ पाइथन रेंडम मॉड्यूल रिटर्न्स रेंडम एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट जो आपका रेंडम मॉड्यूल में चॉइस फंक्शन है लिस्ट में से कोई भी एक रेंडम वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा इम्पोर्ट रेंडम टपल नेमपल है कार्ड्स नेम से एक टप्पल गेवन है ठीक है कार्ड पिट ये आपको एक रेंडम डॉट चॉइस कार्ड मीन रेंडम डॉट चॉइस क्या लिखा है कार्ड्स तो दैट मीन्स फर्स्ट यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा कोई भी इनमें से एक वैल्यू आ जाएगी रेंडमली एनी वैल्यू ठीक है बट आएगी वो कार्ड्स वाले टपल में से ऑफ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और रैंडम डॉट चॉइस सूट्स एक वैल्यू रैंडम यहां से आ जाएगी दैट मीन्स फर्स्ट आपके कार्ड्स में से आएगी और सेकेंड यहां से ठीक है अब वीच ऑफ दिस कुड बी एन आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम हर्ट्स इज हर्ट्स आपका कार्ड्स वाले में नहीं गिवन ये नहीं आएगा ऑफ क्वीन डायमंडायमंडस आपको यहाँ नहीं गिवन ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा रैंडम डॉट चॉइस कार्ड्स सेवन ऑफ किंग सेवन तो गिवन है किंग भी इसी का गिवन है ये भी नहीं आएगा जैक ऑफ क्लब्स जैक इसमें से आ गया क्लब्स इसमें से आ गया तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा ऑप्शन डी राइट नाउ नेक्स्ट इज स्टडी द मैनुअल एंट्री फॉर द स्प्लिट फंक्शन गिवन बिलो स्प्लिट फंक्शन सी आपको आंसर किसकी फॉर्म में देगा लिस्ट की फॉर्म में ठीक है सेपरेटर जिससे मुझे सेपरेट करना है अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सेपरेटर विल बी स्पेस

स्प्लिट प्लस वन एलिमेंट ठीक है एटमोस्ट प्लसिफाइड और माइनस वन ऑल पॉसिबल स्प्लिट विलोन स्प्लिट मुझे, मुझे किससे करना बेटा डबल कॉलन से डबल कॉलन एक यहाँ पर है ये है और ये है अब मैक्सलिट की वैल्यू कितनी गिवन है टू टू प्लस वन यहाँ लिखा है ना मैक्सलिट प्लस वन इतने एटमोस्ट करोगे तो टू प्लस वन दैट मींस थ्री मैक्सिमम थ्री एलिमेंट्स होंगे मेरे पास लिस्ट में तो एक तो यहां से स्प्लिट हो जाएगा बेटा वन इसको चेक करो एक बार कौन कौन से एलिमेंट्स आपको गिवन है ठीक है टू जीरो टू वन जीरो नाइन टेन कॉलन देखो यहाँ तो ये यह चीज होगी नहीं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं जीरो फोर फोर थ्री फिर ये डबल कॉलन आ गया नो no, इससे तो मुझे स्प्लिट करना है ठीक है और यहाँ पर ये यह इसको चेक करो जरा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वन टू एंड देन थ्री इसमें मेरे पास आ रहे हैं वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स आ रहे हैं फोर नहीं होगा बेटा एट मोस्ट थ्री ठीक है सो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा 46 का ऑप्शन नंबर सी नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम पी की वैल्यू वन गिवन है क्यू की वैल्यू सिक्स गिवन है चेंज वैल्यूज ये फंक्शन कॉल होगा ग्लोबल वैल्यू क्या बेटा मेरे पास पी राइट uh, वैल्यू इज वन एंड क्यू की वैल्यू है अब यहाँ पर है बेटा ग्लोबल पी तो देट मीन मैं जो पी ग्लोबल वैल्यूज को एक्सेस कर रही हूँ क्यू में वैल्यू मैंने क्या रख दी साइड द फंक्शन फाइव पी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू पी की वैल्यू बेटा वन प्लस वैल्यू क्यू की वैल्यू लोकल को प्रेफरेंस देंगे तो दैट मीन्स फाइव तो यहां से p की वैल्यू आगे बेटा मेरे पास सिक्स रिटर्न p ये ग्लोबल वेरिएबल है तो यहाँ पर हमने ग्लोबल p लिखा है तो इस p की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी रिटर्न p दैट मीन्स क्या रिटर्न होएगा यहाँ से p की वैल्यू दैट मीन्स सिक्स अब p और q की वैल्यू प्रिंट करानी है बेटा तो आंसर आपका क्या आएगा c पार्ट दैट इज सिक्स एंड देन सिक्स ना नेक्स्ट चेज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एंड देन फोर्टी नाइन इन पाइथन एंड अदर लैंग्वेजेस अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स इन विच सम कैरेक्टर्स हैव है स्पेशल मीनिंग ठीक है एनी कैरेक्टर एंड विद इन अ स्क्वेयर ब्रैकेट रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स डज़ दिस मीन कि अगर यहाँ पर मैं स्क्वेयर ब्रैकेट में कुछ भी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लिख रही हूँ तो वो रिप्रेजेंट करेगा सिंगल एक कैरेक्टर से अगर किसी कैरेक्टर के आगे स्टार आ गया उस कैरेक्टर को मैं कितनी भी बार रिपीट कर सकती हूँ ऑल लेटर्स एंड डिजिट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल देखो और अच्छे से क्लियर होगा ए बी स्टार बी के साथ स्टार है स्टार क्या कहता है बेटा स्टार फॉलोइंग अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स जीरो और मोर ऑफ कैरेक्टर्स बी या तो जीरो मींस एक बार भी नहीं आएगा या फिर एक बार दो बार इस तरीके से तो या तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास ए बी एक बार भी नहीं आ रहा या फिर बी एक बार आ जाएगा ए बी बी ए बी बी कितने भी टाइम्स आ सकते हैं बट नॉट ट्रिपल बी ट्रिपल बी तो नहीं आएगा क्योंकि स्टार्ट वो किससे हो रहा है बेटा ए से ए बी ए बी के बाद दोबारा से ए नहीं आएगा वो केस कब होता बी ए बी ए वाला अगर मैं ऐसे लिख देती ए बी स्टार ए तब वो आ जाता है आपका ए बी ए ए बी बी ए इस तरीके से Second क्या है स्टार ब्रैकेट्स e, में रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स आइदर ई और के और टी तो एस टी ए आर तो आएगा ही आएगा फिर ई e आ गया फिर के आ गया फिर टी आ गया बट नॉट एस टी ए आर ऐसा नहीं है कि एक भी कैरेक्टर ना है एक तो आएगा ही आएगा ठीक है अब हम आ जाते हैं इसमें से ए बी सी डी स्टार अब देखो बी सी डी आपको स्क्केट में गिवन है तो आइदर बी और सी और डी और जो भी आएगा वो रिपीट हो सकता है इट कु जीरो बी सी डी में से मैं बी ले लू और स्टार है तो एक बार आ गया या फिर ए देन बी सी ए सी डी डी ठीक है इस तरीके से एंड सोन so बट नॉट ए बी ए ए बी स्टार के बाद दोबारा से ए नहीं आएगा ठीक है अब इसको आ जाओ जरा विच ऑफ दिस वुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सी स्टार ए बी स्कोर ब्रेकेट में इसमें से तो एक आएगा आइदर ए और बी सी स्टार है सी मेरा कितनी भी बार आ सकता है या फिर एक बार भी ना आए ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं ए और सी ए और बी में से ए ले लिया सी स्टार सी एक बार आ गया ये हो सकता है ए बी सी ए बी दोनों तो नहीं आ सकते बी सी हो सकता है बी आ जाए इसमें से सी स्टार में एक बार सी ले लो ये भी करेक्ट है बी सी 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 ए और बी में से एक लेना ले लिया मैंने सी स्टार कितनी भी बार रिपीट हो सकता है ये हो गया ये भी हो सकता है विच नॉट बी रिप्रेजेंटेड कौन सा आ गया बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट आज जरा क्वेश्चन नंबर 49 नाइन अ फैक्ट्री कोर्स इट प्रोडक्ट्स using a series of letters and numbers. Each code starts with 10, 11 or 12 representing different product locations, followed by an S, M or L (small, medium or large), followed by four-digit number. Means आपका जो code है वो किससे start होना चाहिए 10, 11 या फिर 12 से तो वो start होना चाहिए. उसके बाद S, M और L में से एक होना चाहिए. उसके बाद four-digit number एक होना चाहिए. ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में टेन इलेवन डिजिट आ जाएगा या जीरो आ जाएगा तो ये नहीं होगा इसकी अगर मैं बात करूं वन जीरो जीरो आ जाएगा टेन बन जाएगा वन आ जाएगा तो वो इलेवन बन जाएगा टू आ जाएगा तो वो ट्वेल्व बन जाएगा एस एम एल बट इनमें से एक चाहिए ना तो वो स्क्वेयर ब्रैकेट में होना चाहिए ऑप्शन सी देखो बेटा जरा वन एज इट इज है जीरो वन टू को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया इनमें से एक करेक्टर आ सकता है जीरो आएगा तो वो टेन बन जाएगा वन आएगा तो इलेवन टू आएगा तो ट्वेल्व एस एम एल स्मॉल मीडियम और लार्ज अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में एक वैल्यू यहां से आ जाएगी फॉलोड बाय अ फोर डिजिट नंबर अब देखो मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से चार बार लगा दी हर एक में से एक बार ही तो आएगा ना तो टोटल कितनी बार आ जाएगा फोर डिजिट नंबर हो जाएगा ठीक है एक स्क्वायर ब्रैकेट से एक नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स इसके लिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा ऑप्शन सी अब हम आ जाते हैं अपना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना इसको भी लगेश एंड सिमरन हैव रिटन दिस पाइथन प्रोग्राम इट आस्क फॉर अ स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर इफ बोथ मैचेस द रिकॉर्ड्स इन अ सीएसवी फाइल इट डिस्प्लेस द स्टूडेंट्स इंग्लिश मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस मार्क्स द मार्क्स डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल स्टूडेंट्स मार्क्स डॉट सी एसवी फाइल है फर्स्ट थ्री रोज मुझे ये दे रखे ठीक है कॉलम के नेम्स देखो नेम रोल नंबर कमेंट्स इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर साइंस ये मार्क्स दे रखे जो ये चीज़ है ना बेटा ये कमेंट्स हैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई एब्सेंट फॉर इंग्लिश टेस्ट हो गया और इसके लिए भी एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई ये नेम हो गया ये रोल नंबर हो गया इंग्लिश के मार्क्स मैथ्स के मार्क्स कंप्यूटर साइंस के ठीक है स्टडी द प्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो

रीड मोड में हम ओपन कर देंगे डिलिमिटर कोमा गेवन है यहाँ पर वैल्यूज किससे सेपरेट है बेटा कोमा सेकेंड क्या कहता है व्हाट स्टेटमेंट्स रेस्पेक्टिवली शुड कम इन ब्लैंक टू एंड थ्री चूज द बेस्ट आंसर अब अगर एक चीज और देखो जरा आप इसको हम प्रोग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा दिस ये हमारा सीएसवी फाइल वाला प्रोग्राम है ठीक है फाइल का नेम क्या है स्टूडेंट्स मार्क्स डॉट सी एस वी ये आपकी स्टूडेंट्स मार्क्स डॉट सी की फाइल है इसको ओपन करके दिखाएं ऑलरेडी मैंने यही सेम डेटा जो आपको गिवन है ना यहाँ पर यही सेम ले रखा है बेटा हाँ नेम रोल नंबर कमेंट्स इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर साइंस फिर ये वैल्यूज ले रखी है ठीक है इसको आप नोट में भी ओपन कर सकते हो ठीक है नगेश राव का हटा देते हैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए एक बार नगेश राव वन टू थ्री फोर टू एटी फाइव नाइनटी टू सॉरी एटी फाइव नाइन्टी टू और ये नाइनटी सिक्स ठीक है ये कमेंट्स वाला कॉलम हो गया बेटा ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए ये मैथ्स और ये कंप्यूटर साइंस ये उसके नेम्स हो गए ठीक है absent for english test ये लिख रखा ये कमेंट हो गया सेम अगर मैं आपको इसको नोटपैड में ओपन करके दिखा दूं ओपन विद राइट क्लिक एंड देन नोटपैड तो ये सेम आपको जैसे गिवन है ना ये वैसे ही गिवन है देखो ये दो कॉमास एक साथ, दैट दिस मींस ये आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है बेटा, ठीक है वहां पर इस फील्ड के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कुछ रीड आर्ग्यूमेंट मीन जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है रीड कर रहे हैं जहां से फाइल को वो हमने स्पेसिफाई नहीं करा तो अब इसको हमें एग्जीक्यूट करेंगे अगर एंटर नेम एग्जैक्टली इन द हॉल टिकट यहीं से हम एक कॉपी पेश कर लेते हैं नगेश राव ठीक है एंटर रोल रोल नंबर नंबर है बेटा एंड देन उसके मार्क्स आ गए इंग्लिश मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के यहीं पर वो डिस्प्ले हो रहे हैं बेटा दिस राइट right? अब देखो क्या कहता है वो कि विथ स्टेटमेंट रिस्पेक्टिवली ब्लैंक टू है बेटा मेरा जहां पर लाइन काउंट डबल इक्वल्स टू वन है दिस ठीक है और एक मेरा ये है बेटा अब आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है कंटिन्यू एंड कंटिन्यू दोनों में कंटिन्यू लगा दूंगा वो तो चलता ही चला जाएगा ब्रेक एंड ब्रेक लुट से बाहर आ जाएगा ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू मीन मैं यहाँ पर ब्रेक कर दू वो वन होते लाइन काउंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जीरो है यहाँ पर मैं उसको इंक्रीज करके क्या कर रही हूँ बेटा वन लाइन काउंट इक्वल्स टू वन ठीक है अब जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगी वो लूप से बाहर आ जाएगा तो दैट मीन्स ब्रेक तो आपका यहाँ पर यूज नहीं होगा जहां पर रिकॉर्ड मिल गया वहां पर हम ब्रेक कर सकते हैं जहां पर मैच हो गया तो जो मोस्ट फिजिबल और जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है दैट इज ब्रेक लगा दू सॉरी कॉन्टिन्यू एंड देन ब्रेक दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे यहाँ पर लग रहा है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल मैच फाउंड मैच फाउंड वेरिएबल है फॉल्स दे रखा है तो दैट मींस बुलियन टाइप का होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है बेटा द फ़ाइल स्टूडेंट मार्क्स डॉट सी एसवी कंटेन्स अ कमेंट फील्ड इन एवरी रो एक रो में कमेंट फील्ड गिवन है कमेंट मींस जो अभी आपको कॉलम दिखाया था अगर मैं इनमें से कमेंट्स में क्या एड कर दूसरी जो रिकॉर्ड है ना वो प्रोपरली रीड नहीं करेगा ठीक है अब ध्यान से देखो सी पार्ट एबसेंट फॉर इंग्लिश कोमा मैथ्स पेपर अगर मैं ये चीज एड कर दूंगी ना उस कमेंट वाले कॉलम में तो, तो कोमा ही हमारा डिलिमिटर है राइट अब यहां पर मैं क्या लिख देती हूँ एबसेंट फॉर इंग्लिश कोमा मैथ्स टेस्ट राइट कोमा आपका डिलिमिटर है बेटा और वही मैं यहाँ पर फील्ड लिख रही हूं अब जरा इसको एग्जीक्यूट करो दिस वन राइट फर्स्ट वाले में ही हमने एड करा तो हम यही लिख लेते हैं नागेश राव और रोल नंबर है इसका वन टू थ्री फोर टू राइट वन टू थ्री फोर एंड देन टू just a second कहाँ गड़बड़ हुई है इसको हटा दें ठीक है चलो अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं नागेश राव 1 2 3 4 एंड देन 2 अब सी दिस ठीक ही आया हुआ है ये इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ आ गया बेटा मैथ्स टेस्ट मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। पहले तो मार्क्स लिखे हुए आ रहे थे

फाइल ओपन फॉर रीडिंग इज नॉट क्लोज यूजिंग क्लोज फंक्शन अगर मैं क्लोज फंक्शन देखू विद ओपन क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कौन सा नहीं है नागेश राव सिमरन रवि गुलाटी सिमरन शाह तो यहाँ पर नागेश राव सिमरन सिर्फ सिमरन जो है ना वो गिवन नहीं है तो वो आपका मैच नहीं करेगा

ट so आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे चल देन कीप वाचिंग कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग